नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। पांच के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में नई विधानसभा का गठन हो गया है, नया विधानसभा अध्यक्ष भी चुना जा चुका है, साथ ही तमाम मंत्रियों विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। सभी ने अपने अपने पदभार संभाल लिए हैं, लेकिन इस बार की विधानसभा में जो अलग चीज देखने को मिली है वो है सीएम और पूर्व सीएम दोनों का होना। अब आप समझ गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की, जिन्होंने विधान परिषद के बजाय विधानसभा का रास्ता मुफीद समझा। खैर, योगी आदित्यनाथ का तो तय था, लेकिन अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने विधानसभा के लिए अपनी लोकसभा सीट तक को कुर्बान कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी केंद्रित राजनीति का फैसला बसपा और कांग्रेस चुनौतियां बढ़ाने वाला है। उनकी ये रणनीति अपना वोट बैंक बचाए रखने और प्रदेश में बीजेपी के मुख्य विकल्प की छवि बरकरार रखने का प्रयास माना जा रहा है। लोकसभा के बजाय विधानसभा में बने रहने के निर्णय से राजनीति के जानकारों को चौंका दिया है उन्होंने। तो माना जा रहा है कि अभी वो प्रदेश के बजाय केंद्र की राजनीति को तरजीह देंगे। अखिलेश के यूपी विधानसभा में बने रहने के फैसले पर राजनीति के जानकारों की माने तो अखिलेश समझ चुके हैं कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए सदन से सड़क तक लड़ते हुए दिखना जरूरी है। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, और जिस तरह से इस बार विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों के लिहाज से सपा सबसे ज्यादा फायदे में रही, ऐसे में अखिलेश भलीभांति जानते हैं कि अपने अब तक के सर्वाधिक मत प्रतिशत की स्थिति को बनाए रखना उनके लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है। अगर अखिलेश इसी तरह सक्रिय रहे तो वो गैर बीजेपी वोट बैंक यानी कांग्रेस और बसपा के जो वोटर हैं वो उनकी ओर खींचा चलाएगा। तो वहीं ये बात भी सही है कि बसपा का दलित वोट बैंक बड़ी मात्रा में बीजेपी की तरफ मुड़ा है। अब अखिलेश भी ये कोशिश करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ दिखने लायक हिस्सा सपा की ओर भी रुख करे। इन परिस्थितियों में मायावती की चुनौतियां बढ़ेंगी। उधर कांग्रेस तो यूपी में अत्यधिक दयनीय श्रेणी में आ गई है, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो मतदाता उसके साथ आना चाहते थे वो इसलिए नहीं आए कि उनके जीतने की संभावना कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसे में सपा ही लोगों का एकमात्र ऐसा विकल्प नजर आया जो कि बीजेपी का मुकाबला कर सकती थी। तो यूपी में नई विधानसभा का गठन हो गया है, नया विधानसभा अध्यक्ष भी चुना जा चुका है, साथ ही तमाम मंत्रियों विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। सभी ने अपने अपने पदभार भी संभाल लिए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में सीएम यानी योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम यानी अखिलेश यादव दोनों ही विधानसभा के सदस्य हैं। और योगी आदित्यनाथ का तो तय था, लेकिन अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने विधानसभा के लिए अपनी लोकसभा सीट तक को कुर्बान कर दिया। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी केंद्रित राजनीति का फैसला बसपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के रूप में यहां पर देखा जा रहा है। तो ये रणनीति अपना वोट बैंक बचाए रखने और प्रदेश में बीजेपी के निर्णय से राजनीति के जानकारों को उन्होंने चौंका दिया था, और प्रदेश में बीजेपी के मुख्य विकल्प की छवि भी बरकरार रखने का प्रयास ये माना जा रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। कृष्ण मोहन पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे, साथ ही साथ जितेंद्र सिंह नेता बीएसपी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे, और अरविंद जयतिलक जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल कृष्ण मोहन पांडे जी आपसे रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज विधानसभा का गठन हो गया है, विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना जा चुका है, तमाम मंत्रियों विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है, क्या वो रणनीति रहने वाली है इसके तहत अब भारतीय टीम आगे बढ़ेगी? एक रणनीति रही है, वो है अंत्योदय की परिकल्पना को पूर्ण करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो प्रतिपादित तो व्यवस्था है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय हो, समाज के एक उस व्यक्ति का जिसके यहाँ आज तक सारी सुविधाओं से जो महरूम रहा है, जो जन सुविधाओं तक जो गरिमा को जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं होती है वो आज तक पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं पहुंचा पाया, परंतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 14 में सरकार बनती है और अधिक से अधिक दर्द गरीब कल्याण की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुविधाएं पहुंचाई गई उसके द्वारा लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। तो उनका प्रतिफल आपको 2017 में दिखा कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में हमारी सरकार बनती तो आप देखेंगे कि प्रशासन के मामले में, शासन के मामले में, पुलिस सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोजगार के मामले में जिस तरह से एक अभूतपूर्व कार्य किया गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी को 19 में समर्थन दिया। और ये जो सुविधाएं थी, जन सुविधाएं थी, जो आज तक उस गरीब तबके तक जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित है, जिसके आज तक पहुंच नहीं पाती भारत
को दर्द उधार देने के साथ गरीबों को जीवन दिए उसके लिए हमने सुविधाएं दी, और जो उनका अधिकार था भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकार को उनके दरवाजे तक ले जाकर दिया है। इसका प्रतिफल ये रहा कि पुनः 22 में भी सरकार बनी और हम पुनः 2022 में भी 2027 के बीच में वही कार्य करने जा रहे हैं जो इस जनता ने हमें, जो जनता का अधिकार है, जो जनता से जीवन जीने के बेहतरीन साधन हो सकते हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के जो साधन हो सकते हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उन सबको हम देने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करने जाएंगे करेंगे जिससे कि पूरा देश उत्तर प्रदेश के मॉडल को फॉलो करे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक विकसित राज्य हो और सर्वाधिक नौकरियां हो, सुरक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, जो हम बेहतर कर पाए इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे कि बलिया का लड़का जो बलिया में रह के बेल्जियम जैसे सपना देखता था वो उत्तर प्रदेश से पूर्ति हो रही है। कराना का लड़का कराना के लोग जो उत्तर प्रदेश में कभी पलायन देखते थे अब वो कराने से सपने देखना शुरू कर दिया है। तो हम उन सारी सुविधाओं को आग्रहपूर्ण करेंगे जिससे कि अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। जी ठीक है, जितेंद्र सिंह जी नेता बीएसपी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी आप कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव ने जो यूपी केंद्रित राजनीति का यहां पर फैसला लिया है, क्या उससे बीएसपी को कितना नुकसान यहां पर होगा, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं और उनको ये भली बात ही पता है कि अगर वो लोकसभा की जगह पर विधानसभा को तरजीह अगर नहीं देते तो कहीं ना कहीं जो सपा है वो पीछे हो जाती और अब वो जमीन से जुड़कर इस राजनीति को करना चाहते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं बीएसपी को इसका खासा नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। कि हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, उसके तहत वो लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरी इंडिया को देखते हैं तो भारत वर्ष में दो विचारधारा है, एक अंबेडकरवादी विचारधारा और इसके दूसरी विपरीत विचारधारा। अब बहुजन समाज पार्टी का गठन बहुजन महापुरुषों के संघर्ष और महाबलिदान के सिद्धांतों पर टिका हुआ है। इसको किसी गिनती और काउंटिंग में मत आप तोलो कि एक सीट आई है तो बसपा खत्म हो गई है। बसपा का जब से जन्म हुआ है विपक्षी पार्टियों ने हमेशा उसको नकारात्मक रूप में दिखाया है, लेकिन बसपा का एक हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब जब बसपा किसी षड्यंत्र के तहत हराई जाती है या मीडिया के द्वारा या विपक्षी पार्टियों के द्वारा अपने संसाधनों का यूज करके, लेकिन उसी टाइम अगले चुनाव में बसपा बहुत ही मजबूत और बहुत ही सशक्त विपक्ष के रूप में और सत्ता के रूप में वापसी करती है। मेरा कहने का मतलब ये है साहिल जी, बसपा ना कमजोर है ना टूटी है, ना ही बसपा का कोई भी कोर्ट वोटर बैंक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी बसपा से अलग हुआ है। ये अलग बात है कि बीजेपी सीट जीत के लाई है, लेकिन बीजेपी की अब सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है कि आप महंगाई से, बेरोजगारी से, जो लॉ एंड ऑर्डर है जिसकी व्यवस्था आप देख रहे हो, अभी कल गाजियाबाद में लूट हुई है, पेट्रोल पंप से जो पैसे जमा करने जा रहे थे, महिलाओं के चैन छीनी जा रही है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, आखिर कहाँ है। और सबसे बड़ी बुरी बात जो हो रही है बिजली महंगी और छात्रों के जो बच्चे न्यू एडमिशन लिए हैं उनकी किताबें और फीस महंगी हो रखी है, जबकि जनता कोरोना त्रासदी से अभी अभी निकली है। तो मेरा कहने का मतलब है बसपा विचारधारा से मजबूत है और बसपा का जो आगे जाके जो अपना कोर वोटर है या उसका सपोर्टर है वो मजबूती से काम करेंगे और बसपा मजबूती से आने वाले चुनाव में आपको देखेंगे। जी लेकिन जितेंद्र जी इस बात को नकारा भी तो नहीं जा सकता कि अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गया है। ये किसने कहा है या मतलब किसने कहा? आंकड़ों ने कहा सर, एक बात बताएं, जिस तरीके के नतीजे निकल कर सामने आए वो देखने को मिला है। मैंने नहीं साहिल साहब इसको इस तरह ना देखा कि आप ये देखो कि बीजेपी को कितना परसेंट वोट मिला ये बताओ आप,
उसके उसके विपरीत 60% से ज्यादा विपक्ष को वोट मिला है। और रही बात आपकी सीट की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ सीट जरूर एक आई है, लेकिन विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, और बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 85% की जो नुमाइंदगी करती है वो देश में प्रदेश में सशक्त रूप में उभर के आई है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ अरविंद जय तिलक जी, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेंगे। अरविंद जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे राजनीतिक समीकरण को, जिस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने लोकसभा की सीट अपनी यहाँ पर छोड़ दी, विधानसभा में वो बने रहना चाहते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब जमीन से जुड़ना बेहद ज़रूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होना है, तो कहीं ना कहीं जमीन पर रहकर कार्य करने की यहाँ पर बेहद आवश्यकता है, और उसी के तहत उन्होंने ये बड़ी रणनीति के तहत ये बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे फैसले को? सैद्धांतिक पक्ष यह है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल का अगुवा, उसकी स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है अपने पार्टी का नेतृत्व जो है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा मंच है, जो जनता की नुमाइंदगी करने वाला जो मंच है, और वहाँ अगुवाई कर स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव ने इसका चयन किया है। लेकिन इसका एक अपना रणनीतिक पक्ष है, रणनीतिक पक्ष है कि जब तक आप जो है विधानसभा में सरकार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रस्तावना बहुत बड़ा कहीं खींचेंगे और उसकी गूंज जो है सड़क तक नहीं जाएगी, तब तक जो है आपकी जनता के बीच में स्वीकार्यता का ग्राफ बढ़ेगा नहीं। स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव ने इसी रणनीति को जो है अपनाया है, और उन्होंने महसूस भी किया है कि दिल्ली में रह करके यानी लोकसभा की सदस्यता को बरकरार रख करके हम जो है यूपी में अपनी पार्टी का जो है राजनीतिक विस्तार नहीं कर सकते। देखा भी गया कि किस तरह उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बावजूद भी 35-33 से अधिक जो है वह वोट शेयर हासिल नहीं कर सके। अब वह चूंकि सरकार की जो अगर उसकी जो नाकामी आती है उसके खिलाफ जो है पूरी मुस्तैदी से न केवल प्रश्नकाल के जरिए, न सिर्फ जो है शून्यकाल के जरिए, न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए, तमाम ऐसे जो तकनीकी पहलू हैं जो विधानसभा में होते हैं उसके जरिए जो है सरकार के ऊपर वार भी करेंगे और कस करके घेराबंदी करेंगे। देखिए, राम गोविंद चौधरी साहब अगर जीते होते तो शायद जो है अखिलेश जी कुछ और विचार विमर्श कर सकते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन उनके पास समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनके साथ जो रणनीतिक लोग जुड़े हुए हैं उस तरह के नहीं है जैसे मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करते थे, चाहे मोहन सिंह हो, भगवती सिंह हो, जनेश्वर मिश्रा हो, बेरी प्रसाद वर्मा हो। आज की तारीख में अखिलेश जी के पास उस तरह के जो थिंकर हैं या जो जनाधार वाले नेता, उसकी कमी है। लेकिन इन्हीं को जो है उसको आगे बढ़ाना है। अब आपका एक पक्ष आता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है काफी कुछ जो है वह इधर से उधर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी का देखा गया कि जिस तरह से हाथ पर हाथ धरी चुनाव के दरमियान बैठी रही और उसके लोग जो है सपा की तरफ भी गए और भाजपा की तरफ गए। आपने सही कहा कि अगर सपा की तरफ देखें तो तकरीबन जाटो वोट है 9% गया है और लगभग 21% जो है गैर जाटो वोट जो है सपा की तरफ, इसी तरह भाजपा की तरफ 23% जाटो वोट गया है और 41% जो है गैर जाटो वोट गया है। आज की तारीख में बसपा के पास जो करीब 90% उसका जाटो वोट रहता था वो 65% रह गया है, और मजेदार बात है कि गैर जाटो जो है वो सिमट कर 23% पर आ गया है, यानी इतना नीचे गिर गया है। यही वजह रहा कि 12.5%। अब ये बसपा को तय करना है कि वह जो है अपने वोट बैंक को बिखरते देना चाहती है या उनको संगठित करके जो है फिर से एक बड़ी पार्टी के तौर पर जैसे 2007 में उभरी थी उस तरह की। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी है क्योंकि गंगा में पानी बहुत बढ़ चुका है और जो जो जिस तरह से जो सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिस तरह से योजनाओं के जरिए जो हाशिया के लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है, राशन और जो है मध्यम वर्गी के पास शासन के जरिए, तो स्वाभाविक रूप से बसपा के बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी चूंकि 125 सीटों के साथ है तो कहीं ना कहीं जो है कड़े मुकाबले में दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा, काफी कुछ जो है 2024 का जो है लिटमस टेस्ट होगा, उसी समय तय हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती दे रही है। जी जी, पुष्पेंद्र यादव सपा नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सीधा सवाल मेरा आपसे पहले तो ये रहेगा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक बड़ा स्टैंड लिया है, जिस तरीके से लोकसभा की सीट उन्होंने छोड़ दी, विधानसभा में वो रहेंगे और विधानसभा पर इस बार उन्होंने दाव खेला है, और जिस तरीके से क्या ये समझ आ चुका है
कि अब जमीन पर उतरकर ही काम करना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देनी है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी की हमने देखी है विधानसभा चुनाव में, एक मजबूत स्थिति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत यहाँ पर हासिल किया, और जिस तरीके की योजनाएं, जिस तरीके की कार्यप्रणाली भाजपा की है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो अगर उस कड़ी को कमजोर करना है तो अखिलेश यादव को जमीन पर, संसद से लेकर जमीन तक अपना काम दिखाना होगा। राजनीति में बहुत कुछ टाइम के साथ बदलता है, और अब पूरी पार्टी में मंथन हुआ, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अकेले का निर्णय था, पूरी पार्टी की तरफ से बड़े लीडरों का जो शेष नेतृत्व है उनका सबका बैठ के ये निर्णय हुआ कि अब आपको राजनीतिक तौर के हिसाब से बेस्ट ये है कि हमको सदन में को छोड़कर विधानसभा में रहना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रहना जरूरी इसलिए है कि ताकि हम अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा पाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज़ जो है वो एक यूथ आइकॉन के हिसाब से चलती है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पक्ष को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जब किसी पक्ष को रखते हैं तो लोग उसको सुनते हैं और उसकी गहराई पर जाते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो और चाहे वो पिछड़ों की बात हो, तो इस बात को देखते हुए उनका ये निर्णय बहुत सराहनीय है और बहुत आगे आप देखेंगे इन फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट हमारे लिए तो है ही है। उन जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनका भी जिम्मेदारी हम पे थी, 32-36% जो वोट परसेंट हमको मिला है उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उनका उनकी बातों को रखने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये निर्णय हमें लेना बहुत जरूरी था। और मैं फिर सराहना करता हूँ इस चीज़ की कि हम विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हमने अपने उस वोट बैंक, सब उस वोट बैंक का सम्मान करने के लिए ये किया कि अगर हमको वोट बैंक उत्तर प्रदेश से मिला है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विधानसभा में बैठें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे विधानसभा में और आप देखेंगे पब्लिक की जो अब आप देखिएगा पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हो गए, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो दोबारा वापस हुई थी वो अपने पीक पर आएंगी और फिर हमको लड़ाई संसद से, सदन से निकलकर जमीन पर लड़नी पड़ेगी। उस जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लिए जरूरी था, तब तक हम मजबूत तरीके से अपनी बात को वहां पर नहीं रख पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कमजोर रहते जी। तो ये देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे मजबूत तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे क्योंकि पार्टी में उनका जो आदेश है बिल्कुल पत्थर की लकीर होता है फिर, और जो उन्होंने कहा उसको हर कार्यकर्ता बिल्कुल गहराई से लेता है, इसीलिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी पार्टी की तरफ से मजबूती रखने के लिए हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक है और आप देखेंगे आने वाले टाइम में इसका फायदा भी 2024 पर हमें मिलेगा। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, ये इसकी सराहना तो हम सभी कर रहे हैं कि एक बड़ा फैसला जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी फायदा पहुँचाएगा, समाजवादी पार्टी को भी फायदा पहुँचाएगा, लेकिन एक तरफ इस मजबूती को बरकरार या इस मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह थी वो भी यहाँ पर उजागर होती हुई नज़र आ रही है और लगातार उस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं और पार्टी की जो चीज़ें होती हैं उनको पारिवारिक को अलग से सोचा जाता है और पार्टी को चलाने के लिए अलग से सोचना पड़ता है। अगर जहाँ पारिवारिक चीज़ें अगर पार्टी पर हावी होंगी तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी का नुकसान होगा। देखिए वो उनका पारिवारिक मामला है, मैं समझ रहा हूँ आप चाचा की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि पहले उनको जो चर्चा चली थी, पहली बात तो ये कि एक भी ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी डिबेट में आकर ये कहा या किसी न्यूज़ पे आकर ये कहा कि मैंने इनको घोषित कर दिया है? नहीं, वो तो पुष्पेंद्र जी देखिए नाम तो मैंने भी नहीं लिया, लेकिन आप समझ, मैंने सर देखिए ऐसे ही और लोग भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। मैंने मैंने मैं इसलिए सीधे मुद्दे पाया, मैंने उस बात को घुमाया नहीं बिल्कुल, मैं सवाल तो छुपा और ना छुपाया, मैंने सीधा ये बात यही कही कि वो अटकलें चली, उस अटकलों का जो बाजार चला वो कहां से चला, कहां खत्म हुआ, किसने चलाया, किसी को कोई नहीं पता, बस वो अटकलें चली और वो दबी। लेकिन जो 125 विधायक हैं तय तो वो करेंगे ना, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन ये सहमति 125 विधायकों के बाद होती है, जो हमारे विधायक उनके बाद जो उनकी सहमति वो उनको स्वीकार हुई, लेकिन ये अटकलों का बाजार कहां से चला और कहां से निकलकर कहां घुस गया ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन पुष्पेंद्र जी देखिए अभी कई दौर की मीटिंग्स हमने यहां पर देखी, अखिलेश यादव जो मंथनों का लगातार जो मंथन किया जा रहा है कि हार की समीक्षा यहां पर की जा रही है पार्टी की और पार्टी को और मजबूती देने की यहां पर कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उस पूरी मीटिंग में अगर बात की जाए जिस तरीके से तो चाचा तो नदारद रहे और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने वो दिल्ली पहुँच रहे हैं,
तो अगर इस तरीके की घटनाएं सामने दिखाई देंगी तो सवाल उठना लाजमी है। अब इसमें दो चीजें, हाँ। अब इसमें अब हम जो देखेंगे अपने पॉलिटिकल तरीके से तो वो बताएंगे भाई इसमें हमारा इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वो है, या उनका कुछ ये रहा हो चाचा का या भतीजे का अध्यक्ष जी का रहा हो या नेताजी का, या उनका कुछ आपस में ऐसी बात हुई हो जो अब पूरी ना हो पा रही हो, या फिर कुछ उनका पारिवारिक मामला पहले चलता आ रहा था हम लोगों लेकिन इसका नुकसान तो यहाँ पर घूम फिर कर पार्टी को ही मिलेगा ना। फिलहाल हमारा सीधा एक ही फोकस है कि हमें जो पब्लिक ने वोट दिया है, हाँ। जिस पब्लिक ने वोट दिया है, जितने विधायक हमको दिए हैं, उन विधायकों को लेकर हम पब्लिक की बात, जनता की बात जनता में कैसी रखें। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस चुनाव को लड़ते हुए जो जनता ने जनादेश दिया हमारे लिए, हम उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में रहना जरूरी इसलिए है कि ताकि हम अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा पाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज़ जो है वो एक यूथ आइकॉन के हिसाब से चलती है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पक्ष को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जब किसी पक्ष को रखते हैं तो लोग उसको सुनते हैं और उसकी गहराई पर जाते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो और चाहे वो पिछड़ों की बात हो। तो इस बात को देखते हुए उनका ये निर्णय बहुत सराहनीय है और बहुत आगे आप देखेंगे इन फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट हमारे लिए तो है ही है। उन जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनका भी जिम्मेदारी हम पे थी, 32-36% जो वोट परसेंट हमको मिला है उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उनका उनकी बातों को रखने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये निर्णय हमें लेना बहुत जरूरी था। और मैं फिर सराहना करता हूँ इस चीज़ की कि हम विपक्ष में बैठने के बावजूद भी हमने अपने उस वोट बैंक सब उस वोट बैंक का सम्मान करने के लिए ये किया कि अगर हमको वोट बैंक उत्तर प्रदेश से मिला है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विधानसभा में बैठें, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे विधानसभा में और आप देखेंगे पब्लिक की जो अब आप देखिएगा पेट्रोल के दाम बढ़ने शुरू हो गए, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो दोबारा वापस हुई थी वो अपने पीक पर आएंगी और फिर हमको लड़ाई संसद से सदन से निकलकर जमीन पर लड़नी पड़ेगी। उस जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लिए जरूरी था, तब तक हम मजबूत तरीके से अपनी बात को वहाँ पर नहीं रख पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कमजोर रहते जी। तो ये देखा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे मजबूत तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे क्योंकि पार्टी में उनका जो आदेश है बिल्कुल पत्थर की लकीर होता है फिर, और जो उन्होंने कहा उसको हर कार्यकर्ता बिल्कुल गहराई से लेता है। इसीलिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी पार्टी की तरफ से मजबूती रखने के लिए हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक है और आप देखेंगे आने वाले टाइम में इसका फायदा भी 2024 पर हमें मिलेगा। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, ये इसकी सराहना तो हम सभी कर रहे हैं कि एक बड़ा फैसला जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी फायदा पहुँचाएगा, समाजवादी पार्टी को भी फायदा पहुँचाएगा, लेकिन एक तरफ इस मजबूती को बरकरार या इस मजबूती को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह थी वो भी यहाँ पर उजागर होती हुई नजर आ रही है और लगातार उस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, पारिवारिक जो चीज़ें होती हैं और पार्टी की जो चीज़ें होती हैं उनको पारिवारिक को अलग से सोचा जाता है और पार्टी को चलाने के लिए अलग से सोचना पड़ता है। अगर जहाँ पारिवारिक चीज़ें अगर पार्टी पर हावी होंगी तो कहीं ना कहीं फिर पार्टी का नुकसान होगा। देखिए वो उनका पारिवारिक मामला है, मैं समझ रहा हूँ आप चाचा की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि पहले उनको जो चर्चा चली थी, पहली बात तो ये कि एक भी ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी डिबेट में आकर ये कहा या किसी न्यूज़ पे आकर ये कहा कि मैंने इनको घोषित कर दिया है? नहीं, वो तो पुष्पेंद्र जी देखिए नाम तो मैंने भी नहीं लिया लेकिन आप समझ, मैंने सर देखिए ऐसे ही और लोग भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। हाँ, मैंने, हाँ। मैं इसलिए सीधे मुद्दे पाया, हाँ। मैंने उस बात को घुमाया नहीं बिल्कुल, मैं सवाल तो छुपा और ना छुपाया मैंने सीधा ये बात यही कही कि वो अटकलें चली, उस अटकलों का जो बाजार चला वो कहाँ से चला, कहाँ खत्म हुआ, किसने चलाया, किसी को कोई नहीं पता, बस वो अटकलें चली और वो दबी। लेकिन जो 125 विधायक हैं तय तो वो करेंगे ना, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो पार्टी का अध्यक्ष है, लेकिन ये सहमति 125 विधायकों के बाद होती है, जो हमारे विधायक उनके बाद जो उनकी सहमति वो उनको स्वीकार हुई। लेकिन ये अटकलों का बाजार कहाँ से चला और कहाँ से निकलकर कहाँ घुस गया ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन पुष्पेंद्र जी देखिए, अभी कई दौर की मीटिंग्स हमने यहाँ पर देखी, अखिलेश यादव जो मंथनों का लगातार जो मंथन किया जा रहा है कि हार की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है पार्टी की और पार्टी को और मजबूती देने की यहाँ पर कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उस पूरी मीटिंग में अगर बात की जाए जिस तरीके से, तो चाचा तो नदारद रहे और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने वो दिल्ली पहुँच रहे हैं,
तो अगर इस तरीके की घटनाएं सामने दिखाई देंगी तो सवाल उठना लाजमी है। अब इसमें दो चीजें, हाँ, अब इसमें अब हम जो देखेंगे अपने पॉलिटिकल तरीके से तो वो बताएंगे भाई इसमें हमारा इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल वो है, या उनका कुछ ये रहा हो चाचा का या भतीजे का अध्यक्ष जी का रहा हो, या नेताजी का, या उनका कुछ आपस में ऐसी बात हुई हो जो अब पूरी ना हो पा रही हो, या फिर कुछ उनका पारिवारिक मामला पहले चलता आ रहा था हम लोगों लेकिन इसका नुकसान तो यहाँ पर घूम फिर कर पार्टी को ही मिलेगा ना। फिलहाल हमारा सीधा एक ही फोकस है कि हमें जो पब्लिक ने वोट दिया है, जिस पब्लिक ने वोट दिया है, जितने विधायक हमको दिए हैं, उन विधायकों को लेकर हम पब्लिक की बात, जनता की बात जनता में कैसी रखें। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस चुनाव को लड़ते हुए जो जनता ने जनादेश दिया हमारे लिए सबसे पहले वो सर्वप्रिय है, और हम उसी बात को लेके हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। 2022 के चुनाव में भी आपने देखा होगा लोगों ने कहा कि भाई चाचा को गायब कर रखा है या किसी और को गायब कर रखा है, जब 100 बातों की एक बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब मेरे नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो मेरे को जो चुनाव लड़ाई हार हुई है तो भी उनकी जिम्मेदारी है, जीतते तो भी उनकी जिम्मेदारी है, जब हार की जिम्मेदारी हम लोग ले रहे हैं तो वो जिन लोगों ने वोट हमको दिया है उनकी जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, अखिलेश जी के ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी के लिए चाहे उसमें परिवार से कुछ कहना पड़े चाहे बाहर से कुछ कहना पड़े, जो मजबूत होगा वही करा जाएगा जो जनता के लिए ठीक हो। चलिए ये अच्छी बात है कि आपने सिरे से इस बात को नकार यहाँ पर नहीं दिया, क्योंकि लगातार जिस तरीके का घटनाक्रम हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। कृष्ण मोहन पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन जी, अभी आपने सुना पुष्पेंद्र जी ने क्या कुछ कहा, एक मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी को लाने की पुरजोर कोशिश है, अखिलेश यादव ने एक बड़ा निर्णय भी यहाँ पर लिया है, और आज जिस तरीके से सत्र का पहला दिन था पहले ही दिन उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष को संबोधित किया, अध्यक्ष को बधाई दी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि वो विपक्ष को भी बराबर मौका दे, कैसे देख रहे हैं? देखिए अखिलेश जी सम्मानित नेता है और उन्होंने ये बात कही है कि ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो ठीक बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो अध्यक्ष है वो दोनों लोगों की बातें सुने और जो बेहतर उसको करे। अखिलेश जी जो आए और सदन में लोकसभा को छोड़ा और विधानसभा में उनका व्यक्तिगत मामला है, और मैं बता दूं आपको साहित की उत्तर प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश का महत्व भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। उनके पीछे कारण ये है कि आप 2003 से लेकर और 2017 तक विपक्ष ने उत्तर प्रदेश को देखा है, यहाँ पे किस तरह से भूख भय भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, किस तरह से यहाँ अपराधी खुलेआम जो घूमते थे, किस तरह से यहाँ अपराधी जेलों में रहकर जिले गिराते थे, थाने गिराते थे, और आपको याद होगा ये पूरी मीडिया के माध्यम से मैं देख पाना चाहता हूँ कि यही एक एजेंसी एक अपराधी को पकड़ने के लिए मैं उत्तर रहा करता हूँ मुख्तार अंसारी एलर्जी का सौदा करता है और गिरफ्तारी होती है परंतु वो एलर्जी का गिरफ्तार करने वाला जो एसएसपी होता है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, रोता है, खून के आंसू होता है, वो उत्तर प्रदेश में अधिकारी उत्तर प्रदेश से भाग रहे थे, व्यापारी उत्तर प्रदेश पर से भाग रहे थे, यहाँ का नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं था वो गुजरात मुंबई दिल्ली जा रहा था, यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा था, परंतु शुक्रवार के बाद सरकार बनी और इस प्रदेश का परिदृश्य बदला, यहाँ पे अपराधी जेल में है उनके घरों पर बुलडोजर चला, जो अवैध एकत्र किए उन अवैध कब्जे को हमने छुड़ाया, जो नौजवान थे उनको हमने रोजगार दिया, जो भ्रष्टाचार थे जो यूथ रोज थे उनको हमने जेल में भेजा, और उत्तर प्रदेश में बेहतर अब व्यापारी आए, यहाँ बिजली आई, सड़क आया है, इन्वेस्टमेंट आया और उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा और पुनः देख भी लेंगे ये कौन लोग थे जो उत्तर प्रदेश में बढ़ाई की तरफ लाए। उत्तर प्रदेश विमानवासी कहा जाता था, इन्वेस्टमेंट के मामले में पहाड़ों वाला राज्य था, और आज दूसरा दूसरे और तीसरे के बीच में जो रहा है आगा वाले समय से हम एक नंबर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं, तो ये सारा परिदृश्य उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी, और धीरे से जब हमने जन करेंगे धीरे धीरे लोगों के बीच में गए, उनकी सुविधाओं को समझा कि उनकी असुविधाएं क्या है, उनको सड़क नहीं है, उनको बिजली नहीं है, उनको पानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश था। आप देखेंगे चाहिए थी कि मात्र 24 घंटे में 7 घंटा बिजली आती थी, कभी दिन में तो कभी रात में आती थी, एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए महीनों लोग जाते थे, ट्रांसफार्मर के लिए पैसे वसूले जाते थे, आज वही उत्तर प्रदेश से जहाँ 24 घंटे बिजली है, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ 24 घंटे में ट्रांसफार्मर प्रयोग हो जाते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सड़क नहीं थी घंटे ही घंटे थे, आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेस है, 6 एक्सप्रेस से हमने बनवा दिया, उद्घाटन हो गया, यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे रोजगार से वहाँ
सर्वाधिक रोजगार भारतीय जनता पार्टी के अस्पताल 4 लाख और रोजगार नौजवानों को हमने सरकारी नौकरियां दी है। सपा और बसपा सरकारी मात्र 2 लाख नौकरियां लोग दे पाए थे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे की नौजवान अपराध की तरफ जा रहा था, उनका आईफोन अपराधी हुआ करते थे और आज के समय में अपराधी जेल में उनके घरों को खोल देने चल रहा है और नौजवान उत्तर प्रदेश का नौजवान कोई लिख रहा है यूनिवर्सिटी हमें 6 वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की नए भाग की थी। व्यापारी युवा सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कर चुके और इस बात का गर्व आदरणीय सुरेश जी को है। उनको पता था कि हमारे जो भ्रष्टाचार के दिन थे, हमारे जो अपराधीकरण के दिन थे, यदि हमें बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में आना है तो हमें भाजपा का गर्व करने का जाता को देना होगा और उसे लड़ना होगा और यदि जब ये लड़ेंगे तो ठीक है। पुष्पेंद्र जी सर तो पूरा मैं कह रहा हूँ सर भावुक मत हो, आप भूल गए 5 साल आप ही सत्ता में रहे हैं। सुन लीजिए 5 साल सत्ता में आप ही रहे, आप भूल गए, भावुक हो गए। पिछले 5 साल आप ही थे, इतना सारा क्राइम आपने बता दिया, गिना दिया मुझे। या तो 5 साल में बढ़ गया या खत्म नहीं हो पाया। मान्यवर 5 साल पहले आप ही थे, जितना जितना आपने क्राइम मुझे गिनाया अभी इतना लंबा चौड़ा कि ट्रांसफार्म नहीं रखे गए। और आपने जो अब जो कार्रवाई आप कर रहे हैं चुनाव के बाद जो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं उसका भी तो ध्यान रखिए कि पहले वाले पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र यादव जी आपके पास वापस आऊंगा। जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, अभी आपने सुना कृष्ण मोहन जी ने तमाम उपलब्धियां यहाँ पर सरकार की गिनाई और गिनाना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके का बहुमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कई ऐसे काम भी हैं जिसकी सराहना यहाँ पर जनता ने की है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो रणनीति के तहत सपा आगे बढ़ रही है उससे कितना नुकसान यहाँ पर बाकी के विपक्षी दलों को मिलेगा और कितना फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। देखिए पहले हमको ये जानना जरूरी है कि 2012 में जब हमें सरकार बनी थी 27-28% हमको वोट बैंक मिला था और हम सत्ता में थे। अब हम 32-33% वोट बैंक हमारा बढ़ा, मतलब 5-6% जो हमारा वोट बैंक बढ़ा लेकिन हम सत्ता से बाहर हैं। तो उसमें कई चीज़ें जो चीज़ें रहीं जैसे कि बिल्कुल कांग्रेस का ख़त्म हो जाना, मायावती जी का साइलेंट सपोर्ट कर देना जो बिल्कुल ही सपोर्ट हो गया, और छोटे छोटे दलों का जो वोट कटवा जो बोलते हैं उस तरह से उन लोगों का वोट काटना। दूसरी बात, अब हम लोगों को ये भी देखना जरूरी है कि सरकार तो बनी बीजेपी की, सहमत हैं और जो पब्लिक ने मैंडेट तैयार है, लेकिन जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का बढ़ा वो वहाँ से कहीं नाराजगी है तभी तो बढ़ा। हम लोगों ने अपनी मजबूती से 5 साल विपक्ष की भूमिका को रखा, जनता को मुद्दों को रखा तो हमारा वोट बैंक बढ़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं, हम सरकार बनाने में नाकाम रहे उसको हम स्वीकार करते हैं। इसी मजबूती को लेते हुए हम अगले 5 साल के लिए, क्योंकि जो जनता ने हम पे भरोसा जताया है उस मजबूती को आप देखिएगा, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है और आज तक का सबसे ज्यादा वोट बैंक समाजवादी पार्टी को 2022 में मिला है जी। तो ये कहना ठीक कि समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहना, अभी कह रहे थे बीजेपी के वक्ता जी कि गुंडों की पार्टी थी और उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर नहीं लगते थे, उत्तर प्रदेश में SP सुनता नहीं था। आप सुनिए, अगर आज की डेट में सरकार बनाने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी गुंडा राज था तो पिछले 5 साल से आप थे, उसको आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, अब समाजवादी की पार्टी के साथ साथ आप उस वोट बैंक का भी बदनाम कर रहे हैं, उसकी भी तोहिन कर रहे हैं, उसकी भी बिल्कुल निरादर कर रहे हैं। जो 32% वोट मिला है वोट बैंक में, हमारा और आपका ज़्यादा फर्क नहीं है, ये आप देखिएगा। सिर्फ फर्क है वो हमारी सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, आप कॉर्नर पर रह गए, सीटों पर ले गए। तो कृपया करके हम आज भी सदन में कहा गया, विधानसभा में कहा अध्यक्ष जी की तरफ से कि हम चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश को लेके जहां विपक्ष की भी सुनी जाए और सत्ता की भी सुनी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का भला कैसे हो, जहां जहां उनका हनन होगा, अधिकारियों का हनन होगा, जहां जहां पब्लिक की प्रॉब्लम होगी वहां समाजवादी पार्टी उसी जोर से खड़ी होगी, दुगुने जोर से खड़ी होगी और अपने हर उस वोटर के सम्मान में खड़ी होगी, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी से भी जान लेते हैं। जितेंद्र जी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने पुष्पेंद्र जी को भी सुना, क्या BSP की जो सक्रियता नहीं दिखाई दी विधानसभा चुनाव में उसका खामियाजा यहाँ पर इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ा है,
बीएसपी को तो खैर खामियाजा भुगतना पड़ा ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भी उसका नुकसान हुआ है। कि बसपा सक्रिय नहीं है, बसपा का टोटल जो कैडर है वो जमीन स्तर पर काम कर रहा था। ये हार और जीत चलती रहती है। साहिल जी एक बात बताओ, बीजेपी ने जब दो बार प्रचंड बहुमत देश में लिया था, लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में वो बहुत बुरी तरह से हारी थी। साहिल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल बोलिए जितेंद्र जी। हाँ बीजेपी ने दो बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन दोनों बार जब दिल्ली छोटे से राज्य में चुनाव हुए तो बीजेपी बिल्कुल शून्य पे आ गई थी। तो ये कहना कि किसी एक चुनाव से कोई पार्टी खत्म हो जाएगी या उसका खत्म हो जाना है या उसका वोट बैंक कहीं और चला जाएगा, ये आधारहीन है। क्योंकि बसपा का जो वोटर है वो सिद्धांत और विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि हार जीत चल रही है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से ही इस समय आ रही है। 10 साल से पहले भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी और 1984 बनने के बाद दिन रात जो इस तरह जनता के बीच में उसने मुद्दे उठाए और विचारधारा और संविधान की तहत जनता को लॉ एंड ऑर्डर और विकास विकास दिया, जनता की एक मांग है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, बेरोजगारी की, महंगाई की, पढ़ाई की, लिखाई की, डीजल की, कच्चे तेल की, सरसों के तेल की, ये सब उपलब्ध कराना भारतीय जनता पार्टी का काम है। किसान को, व्यापारी को, छात्र को, महिलाओं को, किसी को उत्पीड़न ना हो। छात्रों अब बीजेपी क्या कर रही है कि एक फिल्म के लिए तो उसे टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र अब स्कूल में आ रहे हैं, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उनकी फीस और किताबें वृद्धि हो गई है, महंगाई हो गई है, उनकी ट्यूशन फीस इतनी महंगी हो गई है। तो मेरा अपना कहना मात्र है कि अगर संविधान के तहत, कानून के तहत जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती है तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन अगर केवल और केवल बहुमत से आकर और अपना जीवन सपन दिखाकर विकास में कुछ करना नहीं है, केवल कब्रिस्तान और शमशान या दूसरी बातों पर मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर लड़ेगी, तो मैं समझता हूँ ये जनता के साथ विश्वासघात होगा। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से, पूरी जोर से एक बार फिर अपना काम कर रही है और हम जहाँ पे हमारी कमियां हुई है उसकी समीक्षा हुई है, समीक्षा में जो कमी आई है उसको दूर किया जाएगा और एक बार फिर विपक्ष के लिए और सत्ता में आने के लिए संघर्ष होगा। ठीक है, अरविंद जय तिलक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, अभी तक की आपने चर्चा सुनी, सबका अपना अपना पक्ष है, सबका अपना अपना मत है, और जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव जी ने यहाँ पर कहा कि सपा का वोट बैंक यहाँ पर जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बड़ा है, और इसकी सराहना हम पहले भी करते आए हैं कि अखिलेश यादव ने जिस मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया था विधानसभा चुनाव में, एक बार तो ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन तमाम जो समीकरण बने भारतीय जनता पार्टी के, तमाम ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, बहुमत यहाँ पर मिला है, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं और आप कितना सहमत है पुष्पेंद्र जी से? सही कहा, वोट प्रतिशत बड़ा है, लेकिन ध्यान देना होगा कि जब भी कभी चुनाव बाइपोलर होता है तो विपक्ष में जो मुख्य धड़ा होता है उसका वोट बढ़ता है, इसका लाभ मिला है। और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह बसपा जो है विखंडित हुई है, उसका जो वोट शेयर है इधर उधर शिफ्ट हुआ है, तो भाजपा के साथ भी गया, सपा के साथ भी गया है। और अच्छी बात सपा के साथ यह रही कि उसके जो सहयोगी दल रहे उनका भी कहीं ना कहीं जो है फायदा जो है समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन अब सपा के पास बड़ी चुनौती यह है कि सदन में सरकार के जो कार्य क्रियाकलाप है उसका जो है मजबूती से अगर जनहितकारी है तो समर्थन करें, अगर जनहित के खिलाफ है तो उसका जो है सार्थक और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करें, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अमूमन देखा जाता है कि विपक्षी दल केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं तो जनता में इनकी स्वीकारता बढ़ने के बजाय गिरती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं या एक किस्म से जो है जनता का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि जब बुलडोजर की बात जब होती थी तो विपक्ष जो है इसको जो है कानून की मर्यादा में, नैतिकता के मर्यादा में बात करके देखता था, स्टूडियो में बैठ करके हम लोग भी उस पर बहुत विचार विमर्श किया करते थे, लेकिन हकीकत यह होती थी कि वो जनता को रास आया, यानी उसको जनता ने कानून के मसले के साथ जोड़ करके, लाल डाटा के साथ जोड़ करके उस पर अपने
विचार नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब जैसे मान लीजिए बजट पारित होता है तो उसमें सरकार जो है जो बजट को विभिन्न विभागों में देती है तो उसका तार्किक ढंग से जो है समाजवादी पार्टी को आलोचना करना चाहिए कि गणित के मसले पर वो कितना कारगर है। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जब सदन में कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो मतलब प्रोविंशियल को जो संविधान जो अधिकार देता है तो कभी कभी वैसे कानूनों को विपक्ष ऐसा विरोध करता है जैसे लगता है कि वह जो है बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन हकीकत यह होती है कि उस कानून के साथ अगर जनता का जुड़ाव होता है तो विपक्ष के वो खिलाफ चला जाता है। इन सारे चीजों को ध्यान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो अगर आप भविष्य में सत्ता की राजनीति को देखें तो यहाँ ध्यान देना होगा कि उसके साथ जो सहयोगी दल है वो कितने विश्वसनीय है। क्या वो 2024 तक की यात्रा सपा के साथ कर पाएंगे? अगर मान लीजिए 2024 के पहले अगर वो गच्चा दे देते हैं, वो मान लीजिए कि वो भाजपा के साथ चले जाते हैं जैसा कि बीच में सुगुआहट भी देखने को मिली, या केंद्र में भाजपा जो है उनको पद देने के एवज में या स्टेट में पद देने के एवज अपने साथ ले लेती है तो वो जो माहौल और परिदृश्य निर्मित होगा वह विपक्ष के बहुत खिलाफ चला जाएगा। इन सारी चीजों को सावधानी के साथ जो समाजवादी पार्टी को फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। दूसरी चीज यह की भाजपा की तरह सपा के पास आनुषांगिक संगठनों का अभाव है, यानी वे संगठन समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा से जो प्रभावित होते हैं उस तरह के संगठन जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ। और देखा गया कि जब ये समाजवादी पार्टी अपने हार का विवेचना कर रही है व्यवहारिक तौर पर तो वो काफी सुनी भी जा रही है कि बूथ स्तर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए। इन सारे चीजों को ध्यान देना होगा। आप जितना सदन में लड़िए उतना जमीन पर भी आपको लड़ना होगा, बूथ प्रबंधन मजबूत करना होगा, यानी सारी चीजों का जब तक वह जो है पूरी तरह से अंकगणित के लिहाज से आकलन नहीं करेंगे तब तक समाजवादी पार्टी को जो है बढ़त मिलना मुश्किल होगा। जी जी अरविंद जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल कांग्रेस और बीएसपी से जुड़ा हुआ भी है कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में इस तरीके से नजर आई कि बिल्कुल ही कह सकते हैं कि वो उस ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर जो उनके वोटर्स थे उनका ये कहना सामने आ रहा था कि हम कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट क्यों ही खराब करें। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पार्टी पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं उसका उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस को बसपा को हम लोग एक पलड़े पर रख करके एक समान उसका जो व्याख्या नहीं कर सकते। हाँ। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका बिखराव जारी है। आपने देखा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब राष्ट्रीय राजनीति में छाए उस समय कांग्रेस जो है 14 राज्यों में थी, आज जो है तकरीबन 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है। 2 राज्य में उसकी अपनी सरकार है, 2 में जो है मिली जुली सरकार है। भाजपा जो है तकरीबन जो है 16 राज्यों में उसकी सरकार है, 12 में उसकी अपनी है और 4 में जो मिली जुली है। तो ये जो अंतर जो राष्ट्रीय स्तर पे दिखता है उसका प्रभाव जो है क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। आपने देखा कि प्रियंका जी बहुत परिश्रम की, लेकिन आज देखिए नतीजा क्या है, केवल एक विधायक चुनाव जीत करके आई। वोट शेयर जो 7% टीपी में रहा करता था उसका 2.5% पर सिमट करके रह गया है। बसपा के बारे में बात इसलिए लागू नहीं होती है कि कहीं ना कहीं जो है बसपा का जो वोट बैंक है वो 2 तरह का जो है रिएक्ट किया है। एक यह कि हमको सपा के साथ नहीं जाना है, वह भाजपा के साथ चला गया। दूसरा, जो भाजपा के साथ नहीं जाना है सपा के साथ चला गया। बहुतायत आप देखेंगे कि तो भाजपा के साथ गया, चाहे वह जो योजनाओं के चलते गया हो या अन्य कारणों से चलते गया हो। दूसरे महत्वपूर्ण है कि बसपा के वोट बैंक को सपा को साथ में रखने के लिए बहुत विश्वसनीयता की जरूरत है। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 2019 में जब हुआ तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा को फायदा नहीं मिला, केवल 5 सीटों पर लोकसभा में जीत पाई, बाकी जो है पूरी तरह से हार गई। वो भी 2 सीटें केवल अपने परिवार की जीती, बाकी सारी सीटें हार गई। तो यहाँ समाजवादी पार्टी को अभी लंबी लड़ाई जो है बसपा के साथ लड़नी होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा कि 2019 का जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा वहाँ जो है बसपा को हम लोग जो है अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कहावत है ना कि जुदा होने के डर से कुछ दिन लगाना छोड़ नहीं देता है। तो बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है जातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है और विशेष काल परिस्थितियों में मायावती जी के निर्देशानुसार काम करता है और माना जा रहा है कि इस बार भी उनका निर्देश के अनुसार ही काम किया है। यानी अगर जहाँ बसपा जो है जितने की स्थिति में नहीं थी वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, बहुतायत गया है। ये हो संभव है कि 2024 का जो लड़ाई होगी बसपा का जो वोट बैंक है उसके साथ जो है कमोबेश वापस हो सकता है। जी कृष्ण मोहन जी, सफर यहाँ पर शुरू हो गया है, विधानसभा का आज गठन भी हो गया है और नई पारी की शुरुआत भी यहाँ पर हो चुकी है, तमाम विभागों के बंटवारे भी यहाँ पर हो गए हैं। अब सफर लंबा है
और कई सारी चुनौतियां भी है, कई सारे वादे यहाँ पर जनता से किए गए हैं और उन वादों को कैसे पूरा करना है, क्या वो रणनीति होने वाली है, उस पर आपकी बात। संकल्प पत्र का 92% हमने पूर्ण किया, 92% अपने संकल्प को हमने पूर्ण किया। वो भी कम जब देश में दुनिया में कोरोना का माहौल था, उस कोरोना में 2 साल बीत जाने के बावजूद भी 3-5 साल ऐसे संकल्प पत्र को हमने 3 साल में 92% पूर्ण करने का कार्य किया। आगे भी हमने जो भी संकल्प पत्र लिया, हमने जो भी संकल्प लिया उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। सर्वाधिक हमें लोग उत्तर प्रदेश में एक एक परिवारों को रोजगार देने का काम किया, हमने संकल्प किया देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब हमें इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से बड़े स्तर पर रोजगार उत्पन्न होंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो आप देखेंगे 2012-17 में उत्तर प्रदेश में मात्र जो है 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया हुआ था, 2017 से लेके और 2022 में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जिसमें से 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को चालू करा दिया गया है। 7 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो अब चालू होने वाले हैं, बहुत प्रारंभ हो गए कार्य, उससे इनसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए अब प्रपोजल आने शुरू हो गए। अर्थात उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में बिजली बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर अब आके यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अपना रोजगार अपना इंडस्ट्री लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश एक अपना जो रोजगार के स्तर से बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे मात्र 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे और आज के समय में उत्तर प्रदेश में 46 मेडिकल कॉलेज है और 1 जिला 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं हर जिले स्तर से। आप जो बलिया का लड़का महाराष्ट्र जाता है, दिल्ली जाता है, अदर इलाके में जाता है, भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्पना है, हम इसको पूर्ण भी करेंगे कि हर जिले का 1 जिला 1 उत्पाद, 1 जिला 1 विश्वविद्यालय और 1 जिला 1 विश्वविद्यालय परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 1 जिला 1 उत्पाद हर जिले का अपना एक विशेष उत्पाद है, उस उत्पाद को उसी जिले में बड़े स्तर से उसका उत्पादन कराएंगे, छोटी छोटी उसकी इकाइयां लगाएंगे और उसको सरकार भरपूर सहयोग देकर देश के दुनिया के आगे कोनों देखने का काम करेंगे। तो हम रोजगार के स्तर पर भी काम करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे आप कैसे 6 नौ सीखोगे और बड़े स्तर पर खोलने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन सड़कों की बात कर ले तो समाजवादी सरकार के 12 से 17 के प्रकार में मात्र 6,900 करोड़ सरकार बनेगी और भारतीय जनता और एक हिस्से से बना था भारतीय जनता पार्टी ने 17 से लेकर 22 में हमने 16,912 किलोमीटर सड़के बनवाई, 6 हिस्से बनवाए और बनाने जा रहे हैं। लगभग आंकड़े को पूरा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से सड़कों का जाल बिछाने जा रहे हैं। सुरक्षा की बात आप करें तो उससे यही उत्तर प्रदेश का, यही उत्तर प्रदेश का जहाँ पे की अपराधी खुलेआम घूमते थे और यहाँ पर संगठित अपराध 84% की कमी आई है, ये पूरा देश जानता है। संगठित अपराधों में उत्तर प्रदेश में 84% की कमी आई है तो छोटे अपराधों में 47% की कमी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा के दृष्टि से भी बेहतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके मूल में जो है वो जनता है, गरीब कल्याण है, जो आज तक जिनको सामान्य पूर्वक जीवन जीने के साधन नहीं उपलब्ध हो पाए थे, 12-17 से लेकर 22 तक में पहुंच किए और जो बचे लोग हैं उनसे गरिमा पहुंच और जीवन जीने की जितनी सुविधाएं हो सकती है हमने जो संकल्प लिया है उसको देंगे। और आप देखेंगे कि हमने 2 सिलेंडर देने का जो संकल्पना की है उसको हम पूर्ण करेंगे। तो हर घर नल के साथ स्वच्छ पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हर परिवार को अनाज देकर किसी का जीवन भूख से किसी का जीवन ना जाए, इसके लिए भी हमने हर अनाज की व्यवस्था जो है हमने शुरू कर दिया है और हमारी जब सरकार आई और आगे भी चलेगी राशन शासन और अनुशासन उत्तर प्रदेश की एक प्रकल्प होगा कि राशन भी मिलेगा और शासन और अनुशासन भी रहेगा और उत्तर प्रदेश अनुशासन में अनुशासन होगा। उत्तर प्रदेश देश के देश का विकास कार्य बनेगा और उत्तर प्रदेश अभी तक हम गुजरात खड़े चाहते थे और हम उत्तर प्रदेश एक कदम और आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश का विकास कार्य की बात करेंगे जहाँ पे ना अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना भूख होगा, उत्तर प्रदेश में विकास होगा, उत्तर प्रदेश बिजली होगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगा, रोजगार होगा और उत्तर प्रदेश एक जगमगाता हुआ उत्तर प्रदेश होगा जिसमें दुनिया के मानक से जो हमारे नौजवान सपने देखते हैं वो सपना पूरा करने वाला उत्तर प्रदेश होगा। कृष्ण मोहन जी समझ गए। पुष्पेंद्र जी, लड़ाई का मैदान यहाँ पर चुन लिया गया है लेकिन लंबी लड़ाई है, क्या वो रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे जल्दी से? एक्चुअली मैं फाइनल कमेंट में बता दूं,
कि रणनीति लड़ाई की हमारी जनता के लिए है, लेकिन ये बीजेपी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो 80 सीट जो समाजवादी की बढ़ी है वो आपके विरोध में बढ़ी है, आप अपने पटल पे खड़े नहीं उतरे इसलिए बढ़ी है। बहुमत हमको नहीं मिला लेकिन वोट बैंक बढ़ा, सीट बढ़ी और हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जनता ने वोट बढ़ाया। उसको देखिए कि आप अगले चुनाव में हो सकता है 2024 में आपको खामियाजे भुगतेंगे और जो सीटें आपकी हैं वो आधी से कम रह जाएंगे। आप सिर्फ अपनी जीती हुई सीटों को ही गिन रहे हैं। जो सीटें 80 आपसे खिसकी हैं वो तभी तो खिसकी हैं जब कहीं ना कहीं जनता का विरोध था, अगर ना होता तो बढ़ती हो। हमारा वोट बैंक बढ़ा है लगभग 1 करोड़, जो वोट बैंक बढ़ा है वो आपके विरोध से ही तो बढ़ा है क्योंकि आप काम नहीं कर पाए थे। जुमलेबाजी में फर्क आया, पहले जुमलेबाजी ज़्यादा दी थी, अब पूरी तरह नहीं दे पाए, कम हुए। सरकार आपने बनाई, आपको शुभकामनाएं, लेकिन तैयार रहिएगा अगर किसी जनता की किसी भी बात का आप दुरुपयोग करेंगे तो हम सामने खड़े होंगे और ना काम आपको करने देंगे और ना जब तक गलत काम करोगे तो नहीं करने दिया जाएगा। जो सही काम होगा हम आपके साथ हैं, खुले मन से कहते हैं, जो काम जनता के हित में होगा हम आपके साथ होंगे, लेकिन अगर जनता का हित में नहीं होगा तो उसके लिए तैयार रहिए। चलिए ठीक है। अरे सर आप लोगों ने बहुत सालों के उसी का परिणाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तमाम उपलब्धियां आपने गिना दी हैं, पहले ही गिना चुके हैं आप। जी हमारे साथ जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं बीएसपी से। जितेंद्र जी फाइनल कमेंट्स आपके, जिस तरीके से सवाल या निशान उठ रहे हैं बार बार बीएसपी पर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपा और बीजेपी की नोराकुश्ती से ही जनता का सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है इस समय, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी मिलकर नोराकुश्ती करती है और जनता को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में उनको आपको बोला गया था कि वो बनाएंगे क्या, मेरे ख्याल में राज्यपाल बनाने के लिए बोला था, क्या बोला आपको बनाने के लिए? वो जो आपका जो बयान चल रहा है 2-3 दिन से, वो क्या चल रहा है? आप लोग खुद बोलते हैं कि हमने बोल दिया कि अगर आप बीजेपी को वोट दे दें चाहे सपा को ना दें, अगर वहां ना देना वहां दें, और आप नोराकुश्ती हमारी बता रहे हैं। वाह भाई कलाकार लोग भाई, बड़े ऑन डिबेट बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि बीजेपी को दीजिए आप, और आप बोल रहे हैं कि नोराकुश्ती हमारी है। अरे भाई एक रह गई, ये भी खत्म हो जाएगी, रुक जाओ आप भी, रुक जाओ अब भी, रुक जाओ, जनता को गुमराह करना छोड़ दो। ठीक है पुष्पेंद्र, विचारधारा गिराइए पुष्पेंद्र भाई, और लड़ाई में कहीं ना कहीं हम तुमको यह जनता की सेवा करनी है। आप अगर 125 लाए तो भी जनता की सेवा करने के लिए लाए हैं, हम एक लाए हैं, कोई बात नहीं है, हमें कमी रही है किसी चीज की, उसको सुलभ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में बसपा ही चमकेगी केवल, क्योंकि बसपा अपनी विचारधारा और विचारधारा। ठीक है अरविंद जी फाइनल कमेंट्स आपके। देखिए जमीन पर लड़ाई खत्म हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुका है, जन नुमाइंदगी हर पार्टियों का अब जो है विधानसभा में होगा, और कहा जाता है ना कि समंदर के कानून जहाजे तय नहीं करते हैं, वो जनता तय करती है कि, और करेगी भी कि 2024 में क्या होगा, 2027 में होगा, लेकिन उसके पहले जो राजनीतिक दल है वो जन भागीदारी की जो स्वीकार्यता या जो जनता ने उनको जो है एक नैतिक जिम्मेदारी दी है या जो विकास का रोड मैप जो ये लोग जनता के बीच में रखे हैं, अब उसको पूरा करना है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो है वो जनता के सुर में सुर मिलाते हुए जो विधानसभा में सरकार के सकारात्मक मसलों पर कितना सहयोग देता है और सरकार के नकारात्मक मसलों पर उसका जो है प्रतिरोध का जो प्रस्तावना है कितना विशाल होता है, ये काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा। अगर जानबूझ करके सदन की कार्यवाही में विपक्ष जो अड़ंगेबाजी करेगा या सत्ता पक्ष जो है अगर विपक्ष की अनदेखी करेगा तो स्वाभाविक रूप से न तो लोकतंत्र की खूबसूरती दिखेगी और न ही विकास कार्य जो प्रवाहमान होना चाहिए वो ऐसा होता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है कि आप जो है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से ये एक निवेदन है कि आप दोनों लोग जो है चूंकि राज्य के विकास के लिए चूंकि जनता ने आपको वहां भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सकारात्मक मसलों पर दोनों साथ हो और राज्य को जो है तेजी से आगे बढ़ाए ताकि जो अर्थव्यवस्था का पहिया है तेजी से घूमे। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर विधानसभा में अब अखिलेश हैं, सरकार को वो कैसे फेस करेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलजुल कर विकास की गति को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।